लाइव हो गए हैं में दिखाई दे रहे हैं। हर टाइम से 2 मिनट पहले आ गए हैं, कल लेट हो गया था और टाइम है क्लास 8:05, आज 8 बजे ही कर दिए हैं, पहले से ही प्रिपेयर थे। आज एक वीडियो डाले थे, देखें आप लोग, चलिए नमस्ते। हेलो सर, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। अभिषेक बॉस, नवीन कुमार, कुमिल कुमार, आर्यन रोशन, पंकज कुमार, सबको गुड इवनिंग। आज हम टाइम से पहले आ गए हैं, लोग अभी आ रहे हैं, 8:05 में लोग आएंगे। आज एक वीडियो डाले थे, देखे थे, इसमें हम पूछे थे कि 7 बजे से भी बैच शुरू करने जा रहे हैं और वो रेलवे का सोच रहे हैं क्वेश्चन बैंक सोल्व करवाने के लिए, मैथ्स अरेंजने का, इसलिए कि रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया जनवरी में एग्जाम लेना आरंभ कर दे, जनवरी से फरवरी तक एग्जाम आ जाए। कृष्णा कुमार पटना से हैं, चलिए धन्यवाद आपको, गुड इवनिंग सब लोगों को। चलिए अमित, सुमन, अखिलेश, अरुण कुमार, अमित कुमार, चलिए सब लोगों को गुड इवनिंग। अच्छा शालिनी सिंह, ओल्ड स्टूडेंट, पहले के हैं, कहाँ हैं अभी, कहाँ रहते हैं अभी शालिनी सिंह? चलिए मनीष कुमार खुश रहिए, 8:05 में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 8:01 हो रहा है, ऐसे लोग तो 50 जमा हो गए। हाँ बोल रहे थे कि 7 बजे से सोच रहे हैं रेलवे का स्टार्ट कर दें, इसलिए उसका एग्जाम अब जनवरी में होना तय हो गया है, कल पेपर में अनाउंसमेंट आ गया है। तो ये 8 बजे का बैच जैसे चलता है वैसे चलते रहेगा, 8 बजे का बैच अपने ही टाइम पर जैसे पढ़ाते हैं वो चलते रहेगा। और 7 बजे से सोच रहे हैं कि रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैथ्स सार्वजनिक का सोल्व कर दें। बोलिए कैसा रहेगा, ऐसे वीडियो में हम पूछे थे, यहाँ भी बताइए, रीजनिंग का कुछ पार्ट भी पढ़ा, यहाँ तो वही तो कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन बैंक जो पढ़ाएंगे ना, क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का, तो उसमें रीजनिंग में दोनों रहेगा। तो रीजनिंग में क्या करेंगे कि नहीं कि रीजनिंग का क्वेश्चन आया बता दिए, उसके आगे पीछे का ही बता देंगे, जैसे कोई एक क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और बता देंगे शुरुआत के 10 सेट में, तो 10 या 5 ही सेट में, 5 सेट बनने के बाद सब लोग सब जान जाइएगा, उसके बाद खुद ब खुद स्पीड फास्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा स्पीड फास्ट करिए। अच्छा रेलवे सब इंस्पेक्टर में है, 2019 में ज्वाइन किए हैं, चलिए धन्यवाद, कहाँ ज्वाइनिंग है? अच्छा अभी वाला रेलवे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर में हुआ है। कहाँ पर पोस्टेड है शालिनी सिंह? तो उसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों चलेगा, तो रीजनिंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, उसमें मैथ्स को अभी पढ़ा ही रहे हैं, उससे क्या होगा कि सेट भी प्रीवियस ईयर का बन जाएगा। और रीजनिंग जो सोच रहे हैं ना कि रीजनिंग भी चले साथ में, तो उसमें रीजनिंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब रीजनिंग का जैसे कोई पार्ट आया तो उसके बारे में समझाते चलेंगे 5 सेट तक, 5 सेट के बाद तो फिर सब लोग सब जाएगा। और ऐसे भी SSC रेलवे का रीजनिंग टफ नहीं होता है, रीजनिंग बैंक का इंटरप होता है, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता है और होगा भी नहीं।
चलिए सब लोग को गुड इवनिंग। 8:05 में क्लास शुरू हो जाएगा। 8:04 हुआ है, लोग भी जमा हो गए। 70 आदमी अभी ऑनलाइन दिख रहे हैं, 71 के आसपास, 72 हो गए। चलिए संतोष कुमार सर, आई एम वेटिंग यू। मोतिहारी चनवारी, धन्यवाद। हम भी टाइम से पहले आ गए हैं, हम भी आप लोग का इंतजार कर रहे थे। सुहास कुमार, हेलो सर। हाँ बोलिए, हम तो एकदम प्रेजेंट हैं टाइम पर। कल एक लेट हो गए, कल संडे था ना, संडे को बहुत सारा काम रहता है, सारा दिन का पेंडिंग काम संडे को ही करना होता है। भागे भागे आए सब कुछ करने में। यहाँ पर एकदम अकेले सेट करते हैं, कोई अभी स्टाफ रहता नहीं है, सारा स्टाफ अब भाग जाता है अपने अपने घर, एक के लिए सब कुछ करना पड़ता है। कैमरामैन का भी काम हम ही करते हैं, सारा काम एक के लिए करते हैं, उसके बाद पढ़ाते भी हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ शुरू किया जाए। अच्छा लोग अब हो गए, शुरू किया जाए। 8:05 हो गया, एकदम राइट टाइम शुरू करते हैं। क्लास का टाइम है 8:05, थोड़ा पहले ही आ गए थे इसलिए कल देर हो गया था। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, उसके बाद दो चार क्वेश्चन और चलेगा, चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 1 में टाइम इसलिए लगेगा या लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है और बेसिक बात ज़्यादा है। अब इसे प्राइम नंबर का यूज आता है, तो प्राइम नंबर के बारे में ना बताएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। या आप लोग भी कहीं कहीं पढ़ेंगे तो देखिएगा ना, फर्स्ट चैप्टर में लोग बहुत दिल लगाता है, इसलिए कि बेसिक बात उसमें ज्यादा होता है। तो आइए प्राइम नंबर के बारे में, तो इसमें हमको बताना कम है, केवल बस बोलते जाना है, कुछ लिखना नहीं है। जहां पर जरूरत होगा आपको लिखेंगे, सिर्फ आप लोग भी जानते, सिर्फ रिवीजन करवा दे रहे हैं। दिख रहा है ना लेटर, दिख रहा है ना लेटर, जो बोर्ड पर है वो दिख रहा है ना। हाँ अभी हिंदी का जरूरत नहीं, हम हिंदी बोलते चलेंगे। जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, जहां पर हिंदी जरूरत है, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, अभी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए लिखा हुआ है, अभी इंग्लिश में है, कहीं कहीं में प्रिंट भी है। चलिए सीधा सीधा बात, अभी कोई नहीं पढ़ना है, सिर्फ बताना है। बोलिए 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, बोला जाए 1 से 100 तक में। तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है, ये सब याद रखिएगा। ये 2001 नहीं है, 1200, 1 से 200 तक में याद रखिएगा, 41 अभाज्य संख्या होता है, कोई नियम नहीं, याद रखना है। अब बोलिए 51 से 200 तक कितना, तो 1 से 50 तक याद रखिएगा।
तो यार याद रखिएगा, 1 से 50 तक में 15 को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है, 1 से 100 तक में 25, 1 से 200 तक में 41। इसको एकदम याद रखना है। और निकालने का कोई ऐसा बहुत फॉर्मूला भी नहीं है, कोई पूछे कि 1 से 500 तक कितना है, 557 तक कितना है, तो आप नहीं बता सकते, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए, अब बोला गया है कि 51 से 200 तक में बताइए, 51 से 200 तक में बताइए, 51 से 200 तक। तो क्या करिएगा, 1 से 200 तक कितना 41, और 1 से 50 तक कितना 15। 41 में से 15 को क्या करिएगा, हटा दीजिएगा, तो आपको 51 से निकल जाएगा 200 तक। तो आंसर हो गया आपका कितना 26। यहाँ तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में, 56 नंबर। चलिए 56 नंबर भी आप क्वेश्चन नंबर है, यह आपको बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन से ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। तो बोलिए, यह प्राइम नंबर है, नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो पहले उसका एक रूट पता करिए। आप प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से ही कटाइएगा, तो इसका थोड़ा सा रूट पता करिए। तो इसका रूट लगभग में बोलिए, लगभग में, तो लगभग 30, लगभग 30। अब 30 से नीचे जो भी प्राइम नंबर है कटाइए। फिर से सुनिए, प्राइम नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करिए। तो देखिए, हम चेक करते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से ही नहीं कटेगा। 2 के बाद 3 से ट्राई किए, यहां देखिए 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 से ट्राई किए, 5 से ही नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद देख लीजिए, 84, 53 नहीं कटेगा। अब बोलिए, 7 के बाद कितना से, 11 से 11 से, तो 9, 3, 12 नहीं कटेगा। तो 11 के बाद अब कितना से ट्राई करें, 13 से, तो 13 से देखिए 78 घटाइए तो 113 नहीं कटेगा। तो अब ट्राई करिए 17 से, तो 17 × 5 बोलिए 85, 85, 85 घटाइएगा तो 43 नहीं कटेगा। क्या हुआ, चलिए 26 ठीक है सब लोग का। 17 से दीजिए, नहीं कटेगा। तो अब कितना से देना है, 19 से। तो आइए 19 से आइए, तो 19 × 4 76, तो 76 कटाइए, ये हो गया 13, फिर उतरेगा 3, 133 19 से कटता है। तो यह 19 से कट गया, तो यह प्राइम नंबर नहीं है। फिर से, प्राइम नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि कहां तक चेक करिए। जैसे हम चेक कर रहे हैं 2, 3, 5, 7, तो कहां तक चेक करेंगे, तो इसका एक लिमिट होगा, और लिमिट होगा कि इसको 30 तक ही चेक करना है। यदि 30 तक ही नहीं कटता तो एक प्राइम नंबर हो जाता। अब बोलिए 30 कहां से लाए, तो उसके लिए इसका रूट निकालिएगा। इसका रूट लगभग में, अप्रोक्स में इसका निकालिएगा। तो इसका रूट हो गया लगभग कितना, 30। तो 30 तक नहीं कटता, कोई प्राइम नंबर से, तो एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखिए चेक करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो अब कितना से चेक करें, 11 से, 9, 6, 15 तो नहीं कटेगा। तो अब चेक करिए 13 से, 13 से। तो आइए 13 × 5 हो गया कितना, 65, -3 नहीं कटेगा। अब चेक करिए कितना से, 17 से। तो आइए 17 × 3 51,
तो 51 घटाएगा तो 11, 11 पर 9 119 कट जाएगा, तो यह अभी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब अगले को चेक करते हैं, यह देखिए प्राइम नंबर होगा। चलिए इसका रूट लगभग बोलिए तो 529 23 के आसपास होगा, तो इसको 23 तक ही ट्राई करना है, 23 से आगे नहीं जाना है, 23 तक ही रहना है आपको। तो आइए 23 से या 2 से शुरू करिए, चाहे 23 से घटते क्रम में, चाहे तो 2 से बढ़ते क्रम में। जैसे 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा, फिर 7 से भी नहीं कटा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से आ जाइए, 22 27 नहीं कटेगा, अब आ जाइए 17 से, 51 नहीं कटेगा, अब आ जाइए 19 से तो 38 घटेगा, 16 167 नहीं कटेगा, तो अब आ जाइए 23 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब यह प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से ही कटाना है, और उसका एक लिमिट है कि कहां तक जाएगा, तो उसका रूट निकालिएगा। रूट जहां तक उस लगभग में पूरा पूरा तो निकलेगा नहीं, और वहां तक ही आपको ट्राई करना, उससे आगे नहीं ट्राई करना। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? सर पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए, बोर्ड दिख नहीं रहा है। अच्छा तो हम क्वेश्चन अब अलग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पिक्चर क्वालिटी की बात है तो आपके नेट पर भी डिपेंड करता है, आपका नेट जैसे स्लो होगा ना तो नहीं आएगा। अब देखिए यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 4 डिजिट प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। बोला गया है कि 4 अंकों का एक अभाज्य संख्या लीजिए और उसमें भाग दीजिए कितना से, 6 से, और उसका शेष बताइए, रिमाइंडर बताइए। 4 अंक का प्राइम नंबर लीजिए, अभाज्य संख्या। तो देखिए इस सब जो अब बोलिए 4 अंक का प्राइम नंबर कौन होगा, तो सोचते सोचते बनवे नहीं करेगा, तो इस सब बेकार का दिया जाता है। ये कहने का मतलब है 4 अंक के 3 अंक का 2 अंक का कहने का मतलब होता है कि थोड़ा बड़ा संख्या लीजिए, आपको कितना से भाग देना है, 6 से, तो नंबर ऐसा लीजिए कि 6 से बड़ा हो। इस सब बेकार के बात में नहीं फंसना है। अब 4 अंक का प्राइम नंबर कहां से खोजिएगा, वो तो खोजते खोजते फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए ऐसे बनाइएगा, यह एक बात और फिर शुरू से बोल रहे हैं, जब कोई क्वेश्चन आपको लगे कि बिल्कुल नया है, हम ये बनाना नहीं जानते हैं, तो छोटा छोटा नंबर लेके ट्राई किया जाता है। एग्जाम में आपको लगे कि एकदम ही डिफरेंट क्वेश्चन है, हम तो इसे कभी पढ़े ही नहीं, तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा छोटा छोटा नंबर लेके ट्राई करें, तो देखें कितना इजीली बनेगा। चलिए 6 से बड़ा प्राइम नंबर ले लीजिए 7, 6 से भाग दीजिए, शेष कितना, 1, 7 के बाद बोलिए 11, 6 से भाग दीजिए 5, 11 के बाद 13, 6 से भाग दीजिए 1, इसके बाद 17, 6 से भाग दीजिए 5, तो देखिए 1515, तो आंसर हो गया सी नंबर 1 या 5। हर चीज का कोई रूल नहीं है, कभी कभी अपने से सोचना पड़ता है। आगे सब ठीक है, प्राइम नंबर का था इसलिए एक बार देखिए, आगे सब क्वेश्चन ठीक है, अलग अलग कर दिए हैं, आगे सब क्वेश्चन सजा हुआ है, एक एक क्वेश्चन सजा हुआ है, यहां तक ही सिर्फ दिक्कत है। चलिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रिमाइंडर देयर इज 3 नंबर प्राइम डिवाइडेड बाय 12। चलिए लिखा हुआ कि व्हाट इज द रिमाइंडर देयर इज 3 डिजिट प्राइम नंबर
इट डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ एनी नंबर लेस देन टू टू, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, इसको छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है। चलिए अगर हम देखें, P इज ए प्राइम नंबर, P एक आभास संख्या है, ऑल्सो टू डिजिट नंबर, P स्क्वायर माइनस वन किससे विभाजित होगा? तो देखिए, जो बोला कि दो अंक का संख्या है, कितना अंक का है? दो अंक का, तो इसके फेरे में आप मत पढ़िए, इस सब के फेरे में मत पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा नंबर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा, ऑप्शन देखिए, पांच सात बारह, तो ऐसा नंबर लीजिए कि जो बारह से थोड़ा सा बड़ा आता हो। देखिए पी स्क्वायर, तो हम शुरू करते हैं लगभग पांच से, तो पांच स्क्वायर माइनस वन कितना? चौबीस। सात स्क्वायर माइनस वन बोलिए अड़तालीस, और आइए ग्यारह स्क्वायर माइनस एक कितना? एक सौ बीस। अब बोलिए चौबीस अड़तालीस एक सौ बीस किससे कटेगा? तो देखिए पांच से नहीं, सात से नहीं, तो आंसर हो गया कितना? बारह। आंसर हो गया बारह। तो इस पर कंफ्यूजन मत होइएगा, वो तीन अंक कहेगा, चार अंक कहेगा आभास संख्या में, तो उस पर कंफ्यूजन मत होइएगा, आप छोटा छोटा नंबर ही ले करके ट्राई करिएगा। चलिए ये नवी क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, इस साथ में कटा गया है। एक क्वेश्चन और, लास्ट एक क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए यहां पर एक बोला गया है कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर ऑफ देयर, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि प्राइम फैक्टर बताइए, हिंदी इसका लिख रहे हैं, तो देखिए जितना पावर उतना ही फैक्टर होता है। कोई पूछे कि दो का पावर पांच, तो दो का फैक्टर, तो जितना पावर, बहुत हल्का सवाल है ये, देखिए सेवन का पावर है टू टू टू, और एट का पावर है थ्री। अब देखा जाए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्राइम अभाज्य, तो ये बोलिए यह प्राइम नंबर है, है यह प्राइम नंबर है, तो इसको पहले प्राइम नंबर में कन्वर्ट करिए, इसको लिखते हैं टू इंटू थ्री पावर वन थर्टी थ्री इंटू सेवन का पावर टू 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 इंटू टू का पावर थ्री, और तीन से गुणा कर देते हैं। और एक स्टेप और देखा जाए, अब टू, ये दो का पावर है कितना? 133, दो का, और यहां दो का पावर कितना? 333। तो बेस जब सेम होता है तो गुणा करने में पावर क्या होता है? जुड़ता है, तो इसको जोड़ दीजिए, तीन और तीन हो गया छह, तीन और एक हो गया चार। अब देखिए थ्री, थ्री का पावर कितना? 133, आई सेवन का पावर कितना? टू टू टू, तो यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, और यह भी प्राइम नंबर है, तो टोटल फैक्टर हो गया, इस सब पावर को जोड़ दीजिए, 466 प्लस 133 प्लस 222, जो आएगा वो आपको वही सब होगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो फिर से सुनिए, जब भी पूछेगा प्राइम फैक्टर, तो जितना पावर उतना ही फैक्टर होता है, लेकिन शर्त है कि सबको क्या करिएगा, प्राइम नंबर में ले आइएगा, जो भी बेस है उसको ले आइएगा क्या चीज, प्राइम नंबर। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, एक इसमें पूछेगा कि रूट प्राइम बताए,
हिंदी मूल अभाज्य पद है। एक मूल अभाज्य पूछेगा, एक मूल अभाज्य। मूल अभाज्य का मतलब ये हुआ कि कितने तरह का अभाज्य संख्या का यूज किए, कितने तरह का प्राइम नंबर यूज किए। तो देखिए प्राइम नंबर एक यूज किए क्या थे, दो। एक यूज किए क्या थे, थ्री। और एक यूज किए क्या थे, सेवन। तो एक दो तीन, तो इसका आंसर हो गया थ्री। मूल अभाज्य कहने का मतलब कितना तरह का प्राइम नंबर यूज किए, तो तीन तरह का। अब फैक्टर पूछेगा तो इस सब पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। जितना पावर उतना ही फैक्टर। चलिए आप लोग जगे हुए हैं, सब ठीक ठाक है ना, सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। हम तो अपने बताने के धुन में लग रह जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए बोला गया है कि एनी नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 11 गेट रिमाइंडर 3। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, हिंदी में पढ़ देते हैं। हिंदी में किसी संख्या को 11 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। अब फिर उसके भागफल में 13 से भाग दिया जाता है तब शेष 5 बचता है। अब फिर जो भागफल आया उसमें भाग दिया जाता है 7 से तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो बोला गया है और लास्ट रिमाइंडर आपको अति लास्ट दो सीट मतलब अंतिम भागफल 2 है। तो बोला गया कि संख्या बताइए, तो इसका 2 मेथड, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन। इसको कहते हैं लगातार भाग। पहले जनरल मेथड देख लीजिए, क्वेश्चन के कहने का मतलब समझ लीजिए। कोई एक संख्या मान लीजिए एक्स, इसमें पहले 11 से भाग दिया गया तो शेष 3 बचता है। यहां पर मान लेते हैं कि ए, अब भागफल में भागफल कौन हो गया ए, अब ए में भाग दिया जाता है 13 से तो शेष 5 बचता है। यहां का भागफल मान लेते हैं बी, और बी में अब भाग देना है 7 से तो शेष 3 बचता है। और बोला गया है कि अंतिम क्वेश्चन अंतिम भागफल 2 है, यहां का मान अब दे दिया है 2। तो बोला गया है कि x का मान बताइए, तो इसको लास्ट से अंतिम से बनाइए। पहले b का मान निकालिए, तो बोलिए b का मान कैसे निकालिएगा, तो ये दोनों को गुणा करिएगा और इसको जोड़िएगा। तो 7 गुना 2 बोलिए 14, आप 3 जोड़िए 17। अब यहां b का मान रखिएगा तो a का निकलेगा, तो a बराबर अब 13 गुना b, 13 गुना b का मान कितना 17। अब प्लस में 5, फिर से देखा जाए पहले b का मान कितना निकाले 17, तो यहां 17 रखिएगा तो a का मान निकाला, तीन दोनों को गुना करिएगा, इसको क्या करिएगा जोड़िएगा, तो 13 गुना b, b का मान 17 प्लस 5, तो 13 गुना 17 221, और 5 जोड़िए 226। और अब देखिए a का मान यहां रखिएगा तो किसका मान निकलेगा x का, तो x का मान हो गया 11 गुना a, 11 गुना a का मान 226 और प्लस 3। हम इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बता रहे हैं, शॉर्टकट भी बता रहे हैं, पहले लॉन्ग वाला मेथड देख लीजिए। अब इसी का कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो आइए पढ़िए, 11 गुना 6 66, 69।
हासिल हो गया कितना, 11 गुना 2 22, और 6 हासिल था 28। अब हासिल कितना 2, 11 गुना 2 22 और 2 हो गया 24। और अब इसका सेकंड मेथड देखिए, याद रखिए 11 में कितना है 3, 13 में कितना है 5, और 7 में कितना है 3। 11 13 7, ये 3 5 3। ये है आपका रिमाइंडर, आपको संख्या निकालना। अब एक और बात देखिए, यहां पर यह 2 भी तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 दिया गया था, अंतिम भागफल दिया गया था 2, तो ये 2 को क्या करिए कि यहां पर गुणा करो, ये 2 को गुणा कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को राइट साइड से अंतिम तरफ से बनाया जाता है, ये कभी नहीं भी देगा, ये अंतिम वाला ये 2 नहीं देगा, तो इसको छोड़ देते, ये 2 नहीं देता तो और देखिए अब सीधा जोड़ना है, क्रॉस गुना करना है, सीधा क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 2 गुना 7 कितना 14, 14 में 3 जोड़ी, आई 13 से क्या करना है गुना करना है, तो गुना करने के पहले ब्रैकेट लगाना है, आई 5 को क्या करना है जोड़ना है, फिर 11 से क्या करना है गुणा करना है, अभी 3 को क्या करना है जोड़ना है। तो आइए कैलकुलेशन करिए, 14 3 17, 17 गुना 13 221, 221 और 5 बोलिए 226, 22 28 24। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन कब बनाइएगा जब उसमें लिख देगा कि लगातार भाग दिया जाता है, या क्रमागत रूप से भाग दिया जाता है, या भागफल में भाग दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा। नहीं तो ये नहीं समझ लिया कि एलसीएम एससीए का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एलसीएम एससीए का नहीं है, ये उस सबसे बिल्कुल अलग है। चलिए पिक्चर क्वालिटी कोई दिक्कत है, कैमरा को थोड़ा ऊपर रखिएगा पूरा दिखेगा, साउंड प्रॉब्लम है, साउंड जा रहा है, नहीं साउंड में दिक्कत है, साउंड में कोई दिक्कत है आप लोग को, वो बीच बीच में जो नेट है ना, नेट जो स्लो हो जाता है उसी के कारण पिक्चर और साउंड दोनों में प्रॉब्लम हो जाता है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट स्लो हो जा रहा है उसके कारण साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है, नेट आपका स्लो हो जा रहा है, क्या करेगा, मोतिहारी में नेट का हालत बहुत खराब है, नेट स्लो हो जाने के कारण ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है हमारे तरफ से, हमारे तरफ एकदम देखिए ठीक चल रहा है, हमारे तरफ एकदम बिल्कुल सही चल रहा है, नेट स्लो होने के कारण आवाज कट रहा है।
चलिए, तो पहला नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। जो हमको लगा कि बताने लायक है वो सिलेक्ट करके बता दिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगा कि पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा था। कहीं भी आप पढ़े होइएगा, कोई भी टीचर के यहाँ, तो पहला चैप्टर पढ़ाने में लोग 2 महीना लेता है। उसी चीज़ को हम भी 5 दिन में अलग करके कुछ पढ़ाए हैं, लेकिन 5 ही दिन पढ़ाए हैं, लेकिन हर एक चीज़ को लगभग हम टच कर दिए हैं। आप जा करके देखिएगा, वीडियो आपके पास है। हम कोशिश किए हर एक चीज़, थोड़ा टाइम तो ले लिए 2 दिन ज़्यादा, लेकिन हर एक चीज़ को आपको टच। सेक्शन में देखिए, रेलवे का सेट में देखिएगा, रेलवे का सेट में फ्रैक्शन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऐसा कोई सेट नहीं मिलेगा जिसमें फ्रैक्शन से क्वेश्चन ना हो, और इसीलिए फ्रैक्शन से आपको हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, बड़ा छोटा वाला 10 क्वेश्चन बता रहे हैं। आप बोले कि 10 गो का काज होता है, 2 गो में काम चलेगा, 2 गो में काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि देखिए, जैसे रेलवे का जो सेट तैयार होता है तो एक सेट नहीं ना तैयार होता है, वहाँ 100, 200, 500 सेट तैयार होता है। आज सब में एक वो क्वेश्चन देना है, बड़ा छोटा वाला, तो सब में सेम क्वेश्चन मत देगा। कोई में थोड़ा इधर, कोई में अति नंबर बड़ा हो जाता होगा, कोई में छोटा हो जाता होगा, कोई में माइनस लिखता होगा, कोई पावर वाला दे देता है। और देखिएगा रेलवे में कोई किसी में माइनस लगा हुआ है, किसी में पावर है, कोई में बड़ा बड़ा। आप जितना भी जगह पढ़े होइएगा, ये बड़ा छोटा गिनने वाला, चुनने वाला, हर जगह आपको छोटा छोटा नंबर का यूज होता है। बड़ा नंबर वाला जल्दी आपको बुक में नहीं मिलेगा। हम अपने बुक में ही सिर्फ देखिएगा, हमारे ही बुक में सिर्फ आपको बड़ा बड़ा मिलेगा। तो कारण है कि खुद से लिखे हुए थे, कभी सोचे थे कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। और रेलवे में देखिएगा, बड़ा बड़ा नंबर देता है, छोटा नंबर अब छोड़ दिया देगा। तो आइए, बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला, चलिए इसका आंसर, ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन मिले तो पहले डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस बोलिए 1, डिफरेंस बोलिए 1, डिफरेंस बोलिए 1, डिफरेंस बोलिए 1। तो यदि डिफरेंस सेम हो तो बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है। तो क्या चुनना है, बड़ा, तो ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, 21, यही सबसे ग्रेटेस्ट। और सबसे छोटा कौन होता, तो जिसका ऊपर में सबसे छोटा कौन है, 4, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आइए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। 7/12, 9/14, 11/16, 13/18, डिफरेंस यहाँ 5 का है, डिफरेंस यहाँ 5 का है, डिफरेंस 5 का है, डिफरेंस कितना का है, 5 का। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, चलिए सब लोग सही बना दिए, हाँ ये होगा। चलिए इसका मतलब सब लोग जगे हुए हैं, सोए नहीं है कोई अभी, चलिए सब लोग जगे हुए हैं, हाँ सब लोग का ठीक है। तो आइए, सबसे छोटा कौन हो गया, 7/12। जब डिफरेंस सेम हो तो बड़ा संख्या वाला बड़ा, छोटा संख्या वाला छोटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बताइए। अब देखिए बड़ा बड़ा संख्या आ गया ना, हर जगह बताया जाता है आपको, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है तो हर जगह आपको यही बताया जाता है कि इसको गुणा करिए। तो ये हो गया 42, ये हो गया 40, ये बड़ा तो ये बड़ा, ये छोटा तो ये छोटा। लेकिन ये जो बड़ा नंबर है तो इसको गुणा कैसे करिएगा, गुणा करना आसान नहीं है। तो इसको देखिए कैसे देखते हैं, चलिए इसका आंसर कोई बता सकते हैं,
चलिए ए नंबर सी नंबर इसका आंसर कोई बता सकते हैं? आइए, कुछ लोग बैच में पढ़े हुएगा तो बता ही सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं सब लोग बैच में ये चैप्टर पढ़े हुएगा या ना भी पढ़े हुए। जब भी बड़ा संख्या रहे तो गुना में देखिएगा, ऐसे इसका ये लगभग एक गुना है, तीन गुना है, अप्रोक्स में देखना है, लगभग में, पूरा पूरा नहीं, लगभग में, लगभग तो इसका ही लगभग के गुना है तीन गुना, इसका ही लगभग के गुना है चार गुना, इसका ही लगभग के गुना है पांच गुना से ज्यादा, इसका ही के गुना है चार गुना। तो अब जानिए ज्यादा गुना वाला छोटा और कम गुना वाला बड़ा। ज्यादा गुना वाला क्या होता है? छोटा। कम गुना वाला बड़ा। ये क्या पूछा? बड़ा। तो ये है कम गुना। आंसर हो गया ए। कम गुना वाला क्या होता है? बड़ा। और ज्यादा गुना वाला छोटा। इसका आंसर बताया जाए। एकदम उसी तरह से बनाइए जैसे अभी बताए, देखिएगा तुरंत बन जाएगा। कौन आंसर आया? ये आ रहा है अरविंद कुमार, सुकेश कुमार, सब लोग का ए आया है, पुनील कुमार डी आया है, किन्हीं का सी आया है, ये तो मिसलेनियस आंसर आ रहा है, किन्हीं का ए, किन्हीं का सी, किन्हीं का डी, बी भी आ गया है, तो सब बोलिए दीजिएगा तब तो कोई एक फोवे करेगा। आइए देखते हैं, तो बोला जाए इसका एक के गुना है, तीन गुना से थोड़ा सा कम है, इसका एक के गुना है दुगुना से ज्यादा है, इसका एक के गुना है पचगुना से कम है, इसका एक के गुना है दुगुना से ज्यादा है। तो आपको कैसा चुनना है? छोटा चुनना है, तो छोटा में ज्यादा गुना वाला को ले कि कम गुना वाला को? ज्यादा गुना वाला। तो सबसे ज्यादा गुना कौन है? यह आंसर होगा। या पचगुना के आसपास है, फाइव टाइम्स है, तो ज्यादा गुना वाला छोटा और कम गुना वाला बड़ा। चलिए कोई समस्या है समझे इसमें, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हुआ है? छठ के समय क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चैट के समय क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो हम ख्याल रखते हैं, उतना देर रखते हैं जितना देर आप बना सकते हैं, आई भी सुधर जाएगा। कल से लैपटॉप रखेंगे, कल से इस पर हम अपना आईडी नहीं खोलेंगे, कल से दिक्कत नहीं होगी। एक बात और सुनिए, हम कहते हैं कि जब भी क्लास करिए लाइव वाला तब कॉपी कलम लेके बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, ऐसे कल से हम अपना लैपटॉप रखेंगे, इस पर हम आपका चैट नहीं खोलेंगे, वो अलग हम देखेंगे। हाँ लगता है कि जब हम ये करते हैं तो हो सकता है दिक्कत है। आइए अगले क्वेश्चन में, यह क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा है, ये देखिए पावर में, देखिए पावर टू रखे वन बाई फोर आया, पावर थ्री रखे वन बाई एट आया, इस तरह से आया। तो बोलिए वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? तो घटते जा रहा है,
इससे यह छोटा है, इससे यह छोटा है, इससे यह छोटा है। तो देखिए पावर बढ़ाते जा रहे हैं, पावर 1, 2, 3, 4 पावर जितना बढ़ा रहे हैं उसका मान होगा बड़ा, उसका मान होगा छोटा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये जो है ना यह 3/4 ये जो बेस वाला फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए कुछ लोग को ये भी दिक्कत होगा कि 1 से छोटा क्या होता है, 1 से बड़ा क्या होता है। तो नीचे वाला जब 3/4 है तो डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं बड़ा होता है, तो 1 से छोटा होता है। तो इस कंसेप्ट के आधार पर इसको बनाना है। ये देखिए 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 तो इसका बड़ा छोटा होना पावर पर डिपेंड करेगा। तो पहले हम पावर देखते हैं कि कौन पावर बड़ा है और कौन पावर छोटा है। तो देखिए पहला का पावर है 3/4, अगले का 2/3, अगले का 7/10, अगले का 6/11। अब यह बताइए, अब थोड़ा यह बताइए आपको कैसा संख्या लेना है, लार्जेस्ट आपको कैसा संख्या लेना है, बड़ा संख्या लेना है। तो बड़ा संख्या लेना है तो पावर छोटा लेना है कि बड़ा लेना है, छोटा लेना है। जिसका पावर छोटा होगा उसी का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब खोजिए छोटा पावर, तो देखिए ये दोनों में भी सेम है, तो इस 3/4, 2/3 दोनों का डिफरेंस सेम है, तो यह छोटा है, इसको छूट गया। अब इस समय देखिए तो ये हो गया 20, आई हो गया 21, इसको भी छोड़िए, यह छोटा। ये हो गया 22, आई हो गया 18, ये भी छोटा। तो सबसे छोटा आपका कौन है, 6/11। तो देखिए यह पावर जो 6/11 है यही सबसे बड़ा चुनना है। तो बड़ा चुनने के लिए ये पावर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए पहला का पावर है 3/4, इसका पावर है 3/4, अगले का पावर है 2/3, अगले का पावर है 7/10 और अगले का पावर है 6/11। तो हम पावर में कंपैरिजन किए, जिसका पावर छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा और जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग बताइए 0.06 का होल स्क्वायर, 0.25 रूट अंडर 0.25 21/90। इसमें बड़ा चुनना है, बड़ा बताना है, इसमें कौन सबसे बड़ा है। कौन आंसर आ रहा है, सी। कुछ लोग का ये आया है सी, ज्यादातर लोग का सी आ रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आइए देखिए, पहला है 0.6 का होल स्क्वायर, दूसरा है 0.25,
तीसरा है रूट अंडर 0.25, चौथा है 21/90। तो आइए देखिए बनाते हैं, पहला को सोल्व करेगा तो 0.36 होगा, 6 का स्क्वायर 36, दो अंक पहले डेसिमल आया तो आपको है 0.25। अब बोलिए 25 का रूट कितना 5, और डेसिमल के अंक पर एक अंक पर हो गया 0.5, और ये आपका है 20/ कितना 90। तो इसको रेकनिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 21 में 2 जोड़ दीजिए 23, इतना आएगा। और अब क्या करिए कि अब देखिए यहां 5 के बाद कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो पढ़िए 36 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 23 पैसा, डेसिमल के बाद 2 अंक तक पढ़िए, 36 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 23 पैसा, सबसे बड़ा कौन हो गया सी। चलिए यह क्वेश्चन बनाया जाए, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, कुछ लोग को नहीं दिख रहा है। और अब आपको यहां ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, दूसरा ऑप्शन है डी ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है डी बी सी ए, और चौथा ऑप्शन है ए सी बी डी। हम क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन जो है छांटने का प्रयास करिए, ये बोलिए इसमें आप बताइए तो सबसे छोटा कौन है, ए बी सी डी में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ए है, इसलिए कि निगेटिव है, निगेटिव का क्यूब करेगा तो क्या आएगा निगेटिव, तो ए सबसे छोटा है, तो ए सबसे फर्स्ट में रहेगा कि ए सबसे लास्ट में रहेगा, तो ए सबसे लास्ट में रहेगा। तो आपका आंसर हो गया कितना नंबर, आपका ए सबसे लास्ट में रहेगा, तो आपका आंसर हो गया कितना नंबर, 3 नंबर। लेकिन फिर देखिए अभी है आपको एक बात और देख लीजिए, ये है माइनस, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस, आइए 1.22 है, स्क्वायर करेगा तो 1. कितना 4 हो, तो ये एक, ये तो निगेटिव है तो सबसे छोटा है, ये एक से ज्यादा है, ये आपको एक से कम है, स्क्वायर करेगा तो और छोटा हो जाए, क्योंकि आपको अभी बताया कि पावर जितना बड़ा करेगा उतना मान क्या हो जाता है छोटा, आप 0.3 का स्क्वायर करिएगा ये हो जाएगा 0.09। तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा कौन है डी और सबसे छोटा ए, ये देखिए डी ए, इतना से हमको आंसर मिल गया, लेकिन बी और सी में भी कंपैरिजन करना चाहते हैं
तो ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये 2/5 का मतलब हो गया 4/25। और ऊपर नीचे 4 से यानी 0.16 आएगा, 0.16 आ जाएगा, जो C से क्या होगा बड़ा होगा। और उतना हमको नहीं सोचना है, फिर से बताइए सबसे छोटा कौन, A, तो A लास्ट में हो आंसर हो। चलिए अगला देखिए, चलिए दिख रहा है आप लोग को तो बताइए इसमें क्या होगा। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए एक क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा, इसको हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो पहले का अंदाज लगाइए। बोलिए इसका एक गुना है, इसका एक गुना है, तीन गुना है, इसका एक गुना है, तीन गुना है, तीन गुना से भी ज्यादा है, इसका एक दुगुना से कम है। चलिए इसका ये दुगुना से थोड़ा सा कम है, दुगुना से थोड़ा सा कम है, ये भी दुगुना से कम है। और यह आपको इसके दुगुना से ज्यादा है। दुगुना से थोड़ा सा ज्यादा है, तो देखे ये सबसे ज्यादा गुना है, तो ये सबसे क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा, ए वाला सबसे लास्ट में रहेगा। एक देखिए यहां पर है और एक यहां पर है। अच्छा आई दुगुना से कम है, ये दुगुना से कम है, दोनों बड़ा बड़ा है, तो अब सी के पास अति ए के बगल में फिर कौन होगा, डी होगा। तो देखिए ए के बगल में डी है, ए के बगल में सी है, तो आंसर हो गया कौन नंबर, दोनों। चलिए फिर से एक बार, और इससे अच्छा होता यदि आप इसको रेकरिंग में बदल देते, इससे अच्छा होता है कि इसको क्या करते रेकरिंग में बदल देते, तो देखिए कितना आसानी से बन जाएगा रेकरिंग में बदल देते। तो ये 9 है तो 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा, 0 है तो नहीं रहेगा, तो 3 पर नहीं रहेगा, तो 3 को जोड़िए 305 और 3 कितना 308, यहाँ डेसिमल 2 9 है तो दोनों पर रेकरिंग। ये देखिए एक गो 9 है, एक गो 0 है, तो एक ऊपर रेकरिंग रहेगा, एक ऊपर नहीं रहेगा, तो जिस पर नहीं रहता उसको जोड़ते हैं, तो 53 में 5 जोड़िए 58 58, यहाँ डेसिमल यहाँ रेकरिंग। चलिए सी में देखिए, सी में है आपको 453 बटा 900। तो ये देखिए इसमें आपको एक और 9 है तो एक अंक पर रेकिंग रहेगा, और 2 0 है तो 2 पर नहीं रहेगा, तो इसमें पहले रफ करना होगा, 453 में पहले 45 जोड़िए, इस पर रेकिंग रहेगा
आज दो गोपन है तो जिस पर नहीं रहता है उसको प्लस किया जाता है, जोड़ा जाता है। 453 में 45 जोड़ी तो यही हो गया 8, 9, यही हो गया 4, तो जोड़े 45। लेकिन यहाँ क्या आ गया 49, तो अब इसमें 49 जोड़ा जाता है, यही हो गया 12, 10, 5। यहाँ 49 जोड़े 50 हो गया, तो फिर इसमें 50 जोड़ा जाता है, यही हो गया 3, 0, 5। तो इसका आंसर होगा 0.503 है हमारे लिए। चलिए डी में देखिए, डी में है 453/990। तो यहाँ एक जीरो है तो इस पर नहीं रहेगा, तो सिर्फ इसी को जोड़ना है। तो 453 में 4 जोड़िए, 4, 5, 7, यहाँ डेसिमल है, ये दोनों पर है। तो अब देखिए ये हो गया 30 पैसा, 58 पैसा, ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 45 पैसा। तो 58 पैसा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हो गया बी, सबसे बड़ा हो गया आपका क्या थी बी। तो देखिए बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, 58 पैसा के बाद बड़ा हो गया कौन, 50 पैसा सी। तो बी के बाद सी यहाँ पर है, और 50 पैसा के बाद अब हो गया 45 पैसा डी, और सबसे छोटा ये। लेकिन हम रेकरिंग में बदले तो सब कोई समझे, रेकरिंग में बदले तो सब कोई समझे। तो रेकरिंग में जो कन्वर्ट किए हैं वो अभी आपको समझ में नहीं आया, इसी चैप्टर में रेकरिंग पढ़ना है, तो आपको तुरंत कल जो है इसी के बारे में पढ़ाएंगे, रेकरिंग के बारे में, रेकरिंग इसी चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन बड़ा छोटा में एक ऐसा भी पूछा जाता है कि रेकरिंग आपको कल बताएंगे, रेकरिंग में कल बताएंगे। चलिए ये भी देखिए उसी तरह का, ये भी आपको रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन है, रेकरिंग पर कोई आंसर बता सकते हैं, ये क्वेश्चन का कोई आंसर बता सकते हैं, ये बड़ा चुनना है। ये देखिए 413/990 है, 423/990 है, 42/90 है, 43/99 है। सबसे बड़ा कौन है कोई बता सकते हैं? सूरज राजा कल समझ में आएगा, 453 में 45 तो जोड़ेगा, लेकिन 45 जोड़ेगा तो बढ़ जाएगा, फिर इसके बारे में आप कल समझिएगा, कल रेकरिंग बताएंगे तो समझ में आएगा। चलिए इनके सी मैथमेटिक्स, थैंक यू। अब तो जाने का समय हो गया, आप भी अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, हमारे बहुत लोग चले गए, 9 बजता है तो लोग चले जाते हैं, या शायद नेट लगता है, प्रॉब्लम होता है। चलिए आगे देखिए, रेकरिंग में बदलने के लिए देखिए ऐसे करते हैं, 2, 9 है, 9 के वो है 2, तो 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा, आई 0 है तो इस पर नहीं रहेगा, तो जिस पर नहीं रहता है उसको जोड़ देते हैं। इसको अब ऐसे लिखा जाता है, 417 हो गया, यहाँ डेसिमल दीजिए, आई 2 को 9 के बदले 2 को रेकरिंग ऐसे। या भी उसी तरह 423 में 4 जोड़ दीजिए तो 427 हो गया, यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर रेकरिंग। ये देखिए वो 0 है तो इसमें 42 में 4 जोड़िए
छियालीस, यहाँ डेसिमल, यहाँ जोकि यही देखिए दोनों नौ है तो दोनों पर यकीन शॉर्टकट में समझ लीजिए, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए 41 पैसा, 42 पैसा, 46 पैसा, 43 पैसा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 46 पैसा, तो आंसर हो गया आपका। चलिए इसको देखा जाए, तो इसको ऐसे बनाएगा, ये है आपको रूट सिक्स का मतलब हो गया 6 का पावर 1/2, यह है क्यूब रूट 5 इसका 3। चलिए यह है फोर्थ रूट 8 का पावर 1/4, अगला है 7 का पावर 1/5। तो बोलिए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, तो एलसीएम लेके जैसे 2, 3, 4, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ 60 से गुना करिएगा, 60 से गुना करिएगा यहाँ पर, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कर पाइएगा नहीं। तो अब क्या करना है कि जहां तक आप एलसीएम आसान आए वहीं तक लीजिए, 2, 3, 4 का एलसीएम बोलिए, अब इसको छोड़ दीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, सब में 12 से गुना कर दीजिए, आठ का पावर 3 512, 5 का पावर 4 हो गया 625, 6 का पावर 6 हो गया 216। तो ये देखिए आपको बड़ा चुनना था, तो अभी तक सबसे बड़ा कौन आया, अभी तक सबसे बड़ा कौन आया, तो यह है 625, 216, नहीं ये वो गलती हो गया, यह 6 का पावर 6 है, 6 का पावर 3 नहीं है, 6 का पावर 6 है, तो अभी तक 6 का पावर 6 बहुत ज्यादा होता है। तो अब देखिए इसमें 6 का पावर 1/2 और एक अभी इसका कंपेरिजन नहीं किए थे 7 का पावर 1/5, इसमें इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आया यही 6 का पावर 6, ये सबसे बड़ा है, तो इसका कंपेरिजन अब इससे करते हैं, ये 6 का पावर 1/2 और 7 का पावर 1/5, तो फिर इसका एलसीएम बोलिए, तो अब एलसीएम लीजिए इसका 2 का और 5 का, तो एलसीएम कितना हो गया 10, तो 10 से इसमें भी गुना करिए, 10 से इसमें भी गुना करिए, तो यह देखिए यह हो गया 6 का पावर कितना 5, आई हो गया कट करके 7 का पावर 2, तो बोलिए 6 का पावर 5 बड़ा कि 7 का पावर 2 बड़ा, तो 6 का पावर 5 बड़ा, तो सबसे बड़ा हो गया आपका ए। चलिए यह क्वेश्चन भी पॉपुलर है, इसका कोई आंसर बता सकते हैं, इसका कोई आंसर बता सकते हैं, चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा, बोलिए चारों में सबसे बड़ा कौन है, ये चारों में स्मॉलेस्ट ना स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, ये चारों में सबसे छोटा कौन है, 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36, 5 का पावर 24,
चलिए रिप्लाई करिए, बोलिए सबों में कौन है। दो का पावर 60। अब सुनिए, जब पढ़िए तक कॉपी कलम लेके बैठिए, कॉपी कलम लेके जैसे हम बोले ये अपना तुरंत नोट किए, आप अपना बनाइए और रिप्लाई करिए। ऐसे कल से हम लैपटॉप रखेंगे, कल से स्क्रीन आपका ये नहीं होगा, कल से हम लैपटॉप रखेंगे एकदम, लैपटॉप को कोचिंग में ही परमानेंट रख दे रहे हैं। बताइए कौन आंसर आया। सब लोगों का डी ही आ रहा है तो शायद सही होगा, सब कोई का डी आ रहा है तो सब कोई सही होंगे, तो हम बना के चेक कर लेते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है, दो कंपैरिजन तभी हो सकता है या तो बेस बराबर हो या तो पावर बराबर हो, दोनों में कोई एक इक्वल हो, या तो सब पावर को इक्वल कर दीजिए या तो बेस को इक्वल कर दीजिए। तो ये बेस को इक्वल करना संभव नहीं है, लेकिन पावर को है, पावर सबका बराबर हो सकता है। देखिए कैसे, इस सब कितना से कटेगा, इसका मतलब सबका एचसीएफ निकालिए, हाइएस्ट कॉमन निकालिए, तो 60 48 36 24 का हाईएस्ट कॉमन बोलिए 12, तो सबका पावर 12 रखना। और 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 से 60 में भाग दीजिए 2 का पावर 5, 12 से इसमें भाग दीजिए 3 का पावर 4, 12 से इसमें भाग दीजिए 4 का पावर 3, 12 से यहां भाग दीजिए 5 का पावर 2। अब क्वेश्चन हमारा बन गया, ये हो गया आपको 32 का पावर 12, ये हो गया 81 का पावर हो गया 12, यह 64 64 का पावर हो गया 12, ये हो गया 25 का पावर हो गया 12। तो देखिए यह हो गया आपको सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ये हो गया आपको सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो हमको स्मॉलेस्ट निकालना था, ग्रेटेस्ट हमको स्मॉलेस्ट निकालना था, तो यह सबसे स्मॉलेस्ट है किसके बदले, 5 का पावर 24 के बदले। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर, 4 नंबर सबसे छोटा हो गया। बस एक दो क्वेश्चन और एक क्लास छोड़ दे रहे हैं। चलिए फिर देखिए लिखा हुआ है ए में, बोला गया कि इसमें लार्जेस्ट नंबर बताइए, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, इसका कैलकुलेशन ही आसानी से कर दे रहे हैं। तो इसको तोड़ते हैं 2 का पावर 5, इसको लिख सकते हैं 6 बटा 10,
तो इससे कटेगा दो बार, दो से कटा तीन बार और दो का पावर तीन यह हो गया। उसी तरह इसको ये हो गया टू का पावर फोर, इसको लिख दीजिए 75 बटा कितना 100, तो कट गया 25, 25 से तीन बार और यह हो गया आपको 8। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, 243 होता है 3 का पावर 5, आई हो गया 4 बटा 10, यह हो गया आपको 9, ये हो गया 5 का पावर 2, इसको लिख देते हैं 15 बटा 10, यह आपको कट गया 3 बार, यह हो गया 225। तो बोलिए सबसे बड़ा कौन आ गया, तो सबसे बड़ा आ गया डी नंबर, या डी जो है सबसे बड़ा होगा। चलिए बताया जाए इसका आंसर, बताया जाए एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग मतलब बढ़ते कि घटते, बढ़ते क्रम। तो बोलिए जल्दी से बढ़ते क्रम में कौन है, जल्दी से बताइए। चलिए सब लोग का आंसर डी आ रहा है, तो आइए ऐसे क्वेश्चन में सबसे अच्छा मेथड है क्रॉस गुना करके बनाए, उससे अच्छा कोई मेथड नहीं। याद देखिए 9, याद देखिए 10, घटा घटा गलत। चलिए बी नंबर को चेक करते हैं, ये हो गया 12, यह हो गया 14, यहाँ पर सही है, यहाँ चेक करिए 10, यहाँ 9, ये 10 से 9 घट गया, 10 से 9 घट गया, तो बढ़ते क्रम नहीं हो गया, घटते क्रम हो गया, गलत हो गया। यहाँ चेक करते हैं 20, यहाँ चेक करिए 21, 20 से 21 बढ़, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 9 से 10 भी बढ़, यह हो गया 18, यह हो गया 15। फिर देखिए यहां पर गलती हो गई, ये तो ठीक था, यह ठीक था, यहां फिर गलती हो गई। चार नंबर को देखिए, यह हो गया आपको 20, यह हो गया 21, यह सही है, बढ़ते क्रम है, ये हो गया आपको 27, यह हो गया 25, 27 से 25 बढ़ा कि घटा, यहां देखिए फिर गलती हो गई, घट गई। तो आंसर हो गया कौन, नॉन ऑफ दिस, सब के सब गलती है, कोई भी बढ़ते क्रम में नहीं है। ये देखिए 27 से 25 घट गया, तो आपका आंसर कौन हो गया, नॉन ऑफ दिस, एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। यहां पर देखिए एक ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या हो गया, नॉन ऑफ दिस। पहले यह बताइए रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, 9-20 हो गया, 9-20 हो गया, चलिए नन तो बहुत लोग बोले थे ना, बहुत लोग का सही था। दो तीन क्वेश्चन और है, उसको बता दें कि छोड़ दें, जल्दी से बोलिए।
तो बस दो क्वेश्चन और है। चलिए इसका देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम, अवरोही क्रम, घटते क्रम। तो इसमें बोला गया कि विच इज फिफ्थ प्लेस, घटते क्रम में पांचवा स्थान पर इसमें कौन आएगा, घटते क्रम में पांचवा प्लेस पर कौन नंबर आएगा, यह पूछा गया पांचवा स्थान पर। तो देखिए हम ऐसे ही बना देते हैं, इसका एक के गुना है दुगुना से कम है, इसका एक दुगुना से ज्यादा है, इसका एक दुगुना से ज्यादा है, ये दुगुना से ज्यादा है, ये दुगुना से ज्यादा है, ये दुगुना से कम है। बोलिए घटते क्रम में पहले बड़ा वाला लीजिएगा कि पहले छोटा वाला, पहले बड़ा वाला। तो ये देखिए ये दुगुना से कम है और यह भी दुगुना से कम है, तो ये दोनों सबसे बड़ा है, यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। तो एक दो पर आपको ये दोनों आया, 9/13 आए 6/11, दो हो गया। अब आइए 3, 4, 5 पर, तो ये दोनों को छोड़ दीजिए। तो अब ये सब में लेना है कि देखें ये सब दुगुना प्लस एक है, दुगुना प्लस एक है, दुगुना प्लस एक है, दुगुना प्लस एक है, सबके सब एक तरह का है, सब दुगुना से एक ज्यादा है। तब जानते हैं जब सब एक तरह का रहे, बराबर गुना बराबर जोड़ में, तो बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है। देखिए 7/8 बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है, 7, 8, 3, 2, तो इसमें सबसे बड़ा हो गया 8/17, 3 नंबर, 4 नंबर पर हो गया 7/15 और 5 नंबर पर, 5 नंबर पर हो गया कौन 3/7, तो आपका आंसर हो गया 3/7, आंसर हो गया 3/7। ये सब दुगुना से कम है, ये सब दुगुना से कम है, ये आपको बड़ा है, ये आपको बड़ा है। तो घटते क्रम में पहले बड़ा वाला पर रख जाता है, बड़ा नंबर एक, बड़ा नंबर दो। आइए देखिए ये दुगुना प्लस वन है, ये भी दुगुना प्लस वन है, ये भी दुगुना प्लस वन है, ये भी दुगुना प्लस वन है। तब इसमें देखे बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा, तो ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दो नंबर, इस समय ये सबसे बड़ा होगा, ये हो गया तीन नंबर, ये हो गया चार नंबर, ये हो गया पांच नंबर, और आंसर हो गया 3/7। चलिए अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। फ्रैक्शन का आधा क्वेश्चन आपको बता दिया,
कल जो है फ्रैक्शन में 6-7 क्वेश्चन और बताएंगे, कल फ्रैक्शन और एससीए पे स्टार्ट। आपको बोले थे कि छोटा छोटा चैप्टर 1 दिन, अब बड़ा चैप्टर में 2 दिन, अब कोई बहुत बड़ा होगा तो 3 दिन। तो फ्रैक्शन का आधा समाप्त हो गया और बाकी आधा जो है कल समाप्त हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। खाना बनाना है, अंशु सिंह लिखे हैं खाना बनाना है, प्रिया सिंह गुड नाइट, गुड नाइट सब लोग को, आदित्य शर्मा, बुलेट कुमार, नीरज भारत, मुकेश कुमार, सुकेश कुमार, आदित्य शर्मा, सब लोग को गुड नाइट। जाइए अब आप लोग भी खाना खाइए, हम भी घर चले। इन लोग का खाना नहीं बना है तो खाना ही बनाना है, बनाइए। और याद रहे कल से 7 बजे, कल से 7 बजे। चलिए खुश रहिए, हाँ एकदम छोड़ दिए, गुड नाइट सब लोग को। बीच बीच में नेट लगता है जियो का डाउन हो जाता है क्या? अब देखिए अभी फिर जो है, अभी कम थे फिर लोग ज्यादा हो गए, लगता है कि एक ही बार सारे तरफ का नेट डाउन होता है, बस एक ही बार लोग ऑनलाइन कम हो जाते हैं फिर एक ही बार बढ़ जाते हैं। कल चलिए गुड नाइट, निकलिए सब लोग, आप लोग निकलिए हम भी निकलेंगे। मिस कुमार क्लास आज से नहीं कल से चलेगा, 7 बजे से जो क्लास बोले आज से नहीं कल से चलेगा, पहले हम लगा देंगे 7 बजे, देखे कहीं उस समय से नेट ज्यादा ठीक रहता है। सबसे ज्यादा ठीक है नेट।